हेलो फूडीज, हंगड़ी कुड़ी कुक विद इशिता में आप सभी का स्वागत है। चाइनीज़ तो सबको पसंद होता है और रेस्टोरेंट जैसा चाइनीज़ अगर घर पे मिले तो बात ही कुछ अलग होता है। तो चलिए आज हम बनाते हैं चिली गार्लिक फिश, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल में। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आपको कुकिंग रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम फ्री में मिल पाए। मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर में भी फॉलो करना ना भूलें। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए देर ना करके शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए जो जो इन्ग्रीडियंट्स मैंने ली है वो है, मैंने यहाँ पे भिटकी फिश लिया है 500 ग्राम। अगर आप चाहे तो बासा फिश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे एक बड़ा प्याज लिया है, इसको पेटल जैसा काट लिया है, देखिए। और एक बड़ा कैप्सिकम भी लिया है, इसको भी ऐसे काट लिया है। और एक हरी मिर्च को मैंने ऐसे चॉप कर लिया है, देखिए। और हम लेंगे एक टेबल स्पून के करीब चॉप लहसुन, महीन कट वाली एक टेबल स्पून के करीब हमने लिया है चॉप अदरक, और स्प्रिंग ऑनियन का दो पार्ट होता है, वाइट पार्ट हमने एक टेबल स्पून के करीब लिया है, देखिए। और ग्रीन पार्ट हमने लिया है दो टेबल स्पून के करीब, वो भी फाइनली चॉप किया हुआ। और हमने दो टेबल स्पून लिया है वाइट विनीगर, आप चाहे तो लेमन जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और शक्कर हम थोड़ा लेंगे स्वाद अनुसार। एक टीस्पून हमने लिया है काली मिर्च पाउडर, और नमक भी हम लेंगे स्वाद अनुसार। और एक टेबलस्पून के करीब हमने लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट, और दो टीस्पून हमने लिया है कश्मीरी मिर्च पाउडर। और सॉस में हम दो टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस लिए हैं, एक टेबलस्पून हमने लिए है टोमेटो केचप, एक टेबलस्पून ग्रीन चिली सॉस, और सोया सॉस भी हमने लिया है एक टेबलस्पून, ये डार्क वाला सोया सॉस है। और कॉर्नफ्लावर हम लेंगे 6 टेबलस्पून के करीब, और हम लेंगे कुकिंग ऑयल, इसका कोई मेजरमेंट नहीं है। तो सबसे पहले हम वाइट विनीगर दे देंगे फिश के अंदर, और कश्मीरी मिर्च डाल देंगे, थोड़ा नमक डालेंगे, और ब्लैक पेपर भी डाल देंगे, और जिंजर गार्लिक पेस्ट पूरा हम इसमें डाल देंगे, और थोड़ा सोया सॉस हम डालेंगे, और इसको अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे और 30 मिनट तक इसको ऐसे ही रख देंगे। और 30 मिनट बाद हम इसमें 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डालेंगे। अगर आपको और भी थोड़ा मोटा कोटिंग चाहिए तो आप उसके हिसाब से दे सकते हैं, और इसको अच्छे से मिला देंगे, देखिए। और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लेके इसका एक सेलरी हम बना लेंगे, ऐसे अच्छे से स्टीयर कर लीजिए, ऐसी कंसिस्टेंसी का होगा, देखिए। और सॉस हम मिला लेंगे, अगर आपके पास चिली गार्लिक सॉस नहीं है तो आप 6-7 सूखी मिर्च को पानी में भिगो के 10 मिनट के लिए उसके साथ 6-7 लहसुन की कलियां डाल के एक पेस्ट बना लें, तो उससे भी आपका सेम टेस्ट आएगा। उसके बाद हम फिश को फ्राई कर लेंगे, तेल को अच्छे से गर्म करके फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। उसके बाद फिश को ऐसे छोड़ेंगे, और ऐसे सेपरेट करके छोड़िए, एक के ऊपर एक मत डालिए, ऐसे ही फ्राई करेंगे तो अच्छा होगा फिर। और इसको थोड़ा पलट देंगे ऐसे, और ब्राउन जब तक ना हो तब तक इसको हम फ्राई करेंगे, देखिए। और बस इसको हम एक टिश्यू पेपर के अंदर निकल के रख देंगे ताकि एक्सेस ऑयल जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए। और सेम प्रोसेस में बाकी फिश को भी अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे, और इसको भी निकाल के हम टिश्यू पेपर के अंदर रख देंगे, देखिए। तो अभी हम ग्रेवी बनाएंगे। एक पैन ले लेंगे और उसमें थोड़ा ऑयल ऐड करेंगे, और फ्लेम को रखेंगे मीडियम, और उसमें डालते जाएंगे ये अदरक लहसुन और स्प्रिंग ऑनियन का जो व्हाइट पार्ट है उसको हम डालेंगे, और उसको एक मिनट के लिए बस सौते कर लेंगे, ज़्यादा इसको कुक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम ये ग्रीन चिली डाल देंगे, और ये ऑनियन भी डाल देंगे। अगर आपको ग्रीन चिली ज़्यादा खाना पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, और इसको भी 2 मिनट के लिए सौते कर लेंगे। और उसके बाद कैप्सिकम को भी डाल देंगे, इसको भी 1 मिनट के लिए अच्छे से सौते कर लेंगे, देखिए। और फिर ये जो मिक्स वाला सॉस हमने बना के रखा था वो हम डाल देंगे, और इसको भी मिला देंगे अच्छे से। और उसके बाद ये कश्मीरी मिर्च जो है वो डाल देंगे,
और ये काली मिर्च पाउडर भी इसमें डाल देंगे और इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ा नमक ऐड करेंगे और थोड़ा शक्कर भी ऐड करेंगे इसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि सॉस के अंदर बहुत सारा नमक होता है। और इसके बाद हम ये एक ग्लास पानी डाल देंगे और इसको भी अच्छे से मिला लेंगे और बॉयल होने तक वेट करेंगे। उसके बाद ये कॉर्नफ्लावर का जो सिलरी हमने बना के रखे थे वो डाल देंगे ताकि ग्रेवी थोड़ा थिक हो जाए। इसको भी मिला लें अच्छे से। और उसके बाद हम ये फ्राइड फिश में ऐड कर देंगे, इसको अच्छे से कोट कर लेंगे सॉस के साथ ताकि अच्छे से ये मिल जाए फिश के अंदर, अच्छे से कोट कर ले। और उसके बाद हम डाल देंगे ये विनेगर, इसको भी मिला लेंगे देखिए। और लास्ट में हम स्प्रिंग ऑनियन का जो ग्रीन पार्ट होता है उसको डाल के इसको भी मिला लेंगे देखिए। और बस रेस्टोरेंट जैसा चिली गार्लिक फिश बनके तैयार। इसको एक अच्छे से बोल में या प्लेट में सर्व कर ले ये देखिए। और उसके बाद हम थोड़ा गार्निश कर लेंगे स्प्रिंग ऑनियन देके, उसका जो ग्रीन पार्ट है उससे अगर आप गार्निश करेंगे तो दिखने में बहुत टेम्पटिंग लगेगा। और इसको आप फ्राइड राइस, नूडल्स या फिर और भी अगर आप ड्राई करना चाहें करके स्टार्टर जैसा ही खा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी, तो इसको ज़रूर ट्राई करें और अपना अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कमेंट बॉक्स पे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तो इतने वक्त तक मेरी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।